जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने भूना में डॉक्टर वीरेंद्र सिराज के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 5 साल पहले वादा किया था कि प्रदेश में करोड़ों रुपए का निवेश आएगा, लेकिन निवेश आज तक नहीं आया। उन्होंने बीजेपी को नशा मुक्ति, कानून व्यवस्था, पेंशन आदि के झूठे वादों पर घेरा। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में सिटी स्कैन, MRI जैसी सुविधाएं नहीं है। प्रदेश में जेजेपी की सरकार आई तो हर नौकरी में 75% हिस्सेदारी हरियाणा के मूल निवासियों की होगी। एक तरह का और खतरा हरियाणा प्रदेश के किसान के ऊपर, कोई से बोल रहा है कोनी बैठे बैठा सारा तंग। और एक चीज पूछ लो, खागड़ा तंग हो कोनी हो, आज खेत में पानी देन कम जाओ और खागड़ा और रखवाली करन ज्यादा जाओ, सच्चाई है कोनी है? एक वादो मैं करके जाऊं, राज बना दो गुंडाओं और खागड़ाओं प्रदेश ने पूरी तौर पर।